जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप सभी मनुष्यों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। विगत कुछ वर्षों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बाबा जय गुरुदेव के एक भविष्यवाणी के बारे में वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस भविष्यवाणी में बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा सन 1971 में कहा गया है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। बस इतना ही आधी अधूरी जानकारी के बल पर उस समय जन्मे हर एक मनुष्य स्वयं को वह अवतार सिद्ध करने में लगा हुआ है। कुछ ने तो अपनी सारी मर्यादाएं ही पार कर दी है। हरियाणा का एक मनुष्य रामपाल, जिसके लाखों भक्त भारत में पाए जाते हैं, वो स्वयं को भारत की जनता के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि मैं ही वो दास हूँ, वह तारणहार हूँ जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव बोल गए हैं। ऐसा उनके अंध समर्थकों द्वारा व्याख्यान किया जाता है। इसलिए सभी मत संप्रदाय के लोग अब उनकी शरण में चले आए जहाँ सुख शांति मिलने वाली है। आप खुद सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। एक भविष्यवाणी की है, सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग दो, ये कहाँ से छपी है? ये है, ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी, सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। इसकी प्रश्न नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था, मुझ दास का जन्म, तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपने आत्माओं, इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं अभी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा। ठीक है श्रीमान महोदय, मैं अभी आपके सारे बातों को असत्य प्रमाणित कर देता हूँ।
और तुम ने भी सारे नु मिले चलूंगा भाई, ठीक है अपना कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने चेलों को भी जय गुरुदेव जी के शरण में लेकर आइए कल्याण कराने के लिए। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में आपने मिल जा, और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा, तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। अच्छा अच्छा, दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है, इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती, तो भाई गणी बांग पी रखी है। अब आपकी बात खत्म हुई, अब मैं आपके और आपके चेलों की आंख खोल रहा हूँ, अब सुनिए ध्यान से, वो भी पूरे प्रमाण के साथ आपकी बातों को असत्य सिद्ध करता हूँ। तो ये रही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ऑफिशियल पत्रिका जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1 अंक 15वां, लखनऊ, आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीय, सन्वत 2028, दिन मंगलवार, 7 सितंबर 1971, मूल्य 10 पैसे। आपने जो दिनांक अभी अभी बताया कि 7 सितंबर 1971 को ये पत्रिका प्रकाशित हुई, उसी दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे बारे में बोल गए, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी हेडिंग है, अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है, जो आपने बताया। आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने केवल थोड़ा सा पढ़ा, मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या सत्यता है। सबसे बड़ी सत्यता है यहाँ पर, ये देखिए लिखा है कानपुर 16 अगस्त, ये पहला प्रमाण है जो आपको असत्य घोषित करता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 16 अगस्त को कानपुर में अपना यह वक्तव्य दिया था कि अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। अब आप बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 7 सितंबर 1971 को आप 20 वर्ष के हो गए, लेकिन इसमें तो 16 अगस्त लिखा हुआ है, 16 अगस्त 1971 को आप 20 वर्ष के नहीं हुए थे, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह आपके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं बोले हैं। मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। स्वामी जी ने यहाँ 60,000 नर नारियों के बीच बताया कि भारत वर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है, किसी एक अवतारी शक्तियों ने नहीं, बहुत सारी अवतारी शक्तियों ने ले लिया है। अनेक स्थानों पर वे बच्चों के रूप में पल रही हैं और समय आने पर प्रकट हो जाएंगे। स्वामी जी ने आगे बताया कि माता पिता अपना सुधार कर लें, वरना यही बच्चे उनके विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो वह मुंह फेर लेते हैं और उधर देखते तक नहीं। माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चे इन सब चीजों को खाना नहीं चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती न खिलाएं। पुनः स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है, यही चीजें आपने भी बताई थी, वह 20 वर्ष का हो चुका है, यदि उसकी पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है, समय आते ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो श्रीमान महोदय, आपकी यह जो आपने बताया है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी ठीक मेरे ही ऊपर फिट होती है, तो मैं प्रमाणित यहाँ से कर दिया कि आपके ऊपर वह भविष्यवाणी नहीं फिट होती है, क्योंकि 16 अगस्त 1971 को आप 20 वर्ष के नहीं हुए थे। अब अगला प्रमाण भी मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, तो ये है आपकी 28 अगस्त 1971 की पत्रिका, जिसको भी आपने अभी अभी दिखाया उसको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1 अंक 14, लखनऊ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष 7वीं, सन्वत 2028, शनिवार 28 अगस्त 1971। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता है, यह काशी के विशाल जनसमूह में बाबा जय गुरुदेव की घोषणा हुई थी। आपकी जो वक्तव्य है मैं लेकर चलता हूँ, ये शाकाहारी पत्रिका है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज देता हूँ, आप सभी लोग इसको पढ़िएगा। चौथे पेज पर आते हैं हम, चौथे पेज पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म हो गया है, आपने जो बताया है उसी को मैं भी दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है, स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है।
आपने बताया, आप वीडियो पुनः रिवर्स कर सकते हैं, उसमें आपने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, अपितु सत्य यही है कि यहां पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। भाई आप तो हरियाणा के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश में जन्म कैसे ले चुके हैं? तो ये आपने ये बात काट दी है, यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है, यह प्रमाण है और यह आपको असत्य प्रमाणित भी करता है, असत्य घोषित करता है। आप वो महापुरुष नहीं है जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इशारा किए थे। आगे पढ़ते हैं, आगे उन्होंने कहा, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। अब वो महापुरुष क्या करेगा, क्या होगा, ये भी उन्होंने बताया है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। सन 1980 के बाद भारत की भौतिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्या होगा, स्वामी जी ने कहा कि यह समय बताएगा। और एक चीज बाबा जी ने बताई है कि स्वामी जी ने संकेत दिया कि नवंबर 1972 तक इस महापुरुष के लिए लोगों के दिलों में शंका रहेगी, किंतु दिसंबर 1972 से संपूर्ण विश्व में वह सूर्य की भांति चमक जाएगा। अब आप बताओ भाई साहब, 1972 में क्या आप सूर्य की तरह चमक उठे थे? आपका तो नामो निशान नहीं था, आपको तो कोई जानता भी नहीं था। तो यह भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पूरी पढ़िए, तब अन्य लोगों को बताइए। ऐसे भारत की जनता में आप जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है, ये अधर्म है, इसको आप सही से मान लीजिए। और जितने भी बेचारे ये तो जेल में चले गए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम का दुरुपयोग किया, उनकी भविष्यवाणियों का दुरुपयोग किया, तो बेचारे जेल में चले गए। उनके जो चेले हैं जो बाहर घूम फिर रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनसे भैया हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी कोई भ्रामक वीडियो न फैलाएं बिना प्रमाण के। एक बार मैं फिर आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने YouTube Facebook चैनलों पर जो इनके बारे में असत्य भ्रामक वीडियो डाला है, उसको जल्द से जल्द आप अपने चैनल से डिलीट कर दीजिए, अन्यथा अप्रमाणित सर्वाधिकार सुरक्षित कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976 के तहत आप सभी पर केस भी किया जा सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 19 जून 2018 को ग्राम रेवली तहसील सलेमपुर जिला देवरिया में बताया कि अब जल्द ही रामपाल भी जेल जाने वाला है। ठीक 4 महीने बाद ये जेल चला गया क्योंकि उसने जय गुरुदेव नाम को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐलान किया कि जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। बेचारा उसका तो नामो निशान मिट गया, अब आप चेलेगढ़ क्यों ये अपराध कर रहे हो? अब भी जाग जाइए, चेत जाइए, धर्म के पक्ष में आ जाइए, अन्यथा कल जब कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी तो किसी की सुनवाई नहीं होगी। मेरे वचनों से अगर किसी को आहत पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बस सत्य से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया है, न कि किसी की निंदा आलोचना की है, क्योंकि विगत एक वर्षों से रामपाल के भक्त जय गुरुदेव भक्तों को टोंड कस रहे हैं कि बताओ बताओ 1971 में किसके बारे में बोले हैं तुम्हारे गुरु। अरे आकर तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते, अपने गुरु की रिहाई के बारे में भी पूछ लेना। जय गुरुदेव प्रेमियों को सावधान किया जाता है कि जब भी आपसे कोई रामपाल भक्त या कोई भी हो 1971 के विषय के बारे में पूछे तो आप ये दोनों प्रमाण सहित उसको प्रस्तुत कर देना, शर्म से झुक जाएगा उसका चेहरा। अरे जय गुरुदेव वालों को समझते क्या हो आप, जितनी सहन शक्ति इनके अंदर परमात्मा ने भरी है उतनी किसी के पास नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पत्रिका का लिंक डाल दिया हूँ, आप सभी इसे पहले पढ़िए और इस संदेश को जन जन तक पहुँचा दीजिए ताकि कोई और रामपाल भारत की जनता को मूर्ख न बना सके। जय गुरुदेव।